नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। मैं आपका दोस्त राशिद और आप लोग देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल मीडिया मार्केट। मैं हूं इस समय आलू मंडी छिबरामऊ में और आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक ट्रॉली आलू का बिक्री हो चुका है और एक दो ट्रॉली और हैं। लगभग मंडी में टोटल लगभग इस समय आज की डेट में, मतलब आज तारीख जो है 3 मई 2024 है, आज की डेट में लगभग लगभग 5 ट्रॉली आलू आया है। और क्या भाव में कैसे बिक्री हुआ है वो सारी डिटेल जानते हैं बाद। बाकी छिबरामऊ क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों में क्या कैसी बिक्री है वो बात भी इस वीडियो में करेंगे। पहले जानते हैं हम लोग आलू मंडी छिबरामऊ में आज के आलू का भाव क्या है। बाद बाकी आलू के भाव की बात अगर की जाए तो आप लोग एक बात में समझो, जिसके पास भी डंप आलू है, अगर आपको अब उसको सिर्फ आलू की पूजा ही करनी है तो अपने पास रखो, वरना हमारे हिसाब से अब वक्त डंप वाले आलू का बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग अब बिक्री ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आलू मंडी छिबरामऊ में कितनी आवक हुई और क्या भाव में आलू की बिक्री हो रही है। तो अभी तक आपके अपने भाई का चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी प्रकार से आलू का, मतलब किसानों से जुड़ी हुई रिलेटेड न्यूज़ जो होती है रोज़ाना अपलोड करते रहते हैं इसी चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के आलू का भाव आलू मंडी छिबरामऊ में क्या है। तो ये देखो आप लोग जो है यहाँ पर आलू की बिक्री वगैरह चल रही है। कैलाश मुनीम जी के पुत्र पवन गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और आलू व्यापारी लालू भैया हैं जो कि मंडी में लास्ट तक खरीदारी करते हैं। थोड़ा जानकारी लेते हैं कि मंडी में कितना आमदनी है और क्या भाव है। तो पवन भैया, आज मंडी का क्या रुख है, आज समझ में नहीं आ रहा कुछ। मंडी में एक ट्राली आ रही है, जिसके पास आ रही है वो उसमें उसी में पूरी दाल रोटी खाना चाहता है। वो सोच रहा है कि इसी में एक ही ट्राली में डबल तिबल तिलाई कर ले, भाव खोलते ही नहीं है। अच्छा, बगैर भाव के ही सौदा कर लेते हैं, किसान के साथ वो धोखाधंधी हो रही है। गुप्त भाव अपने यहाँ आता है, आप तो देखते हैं हमेशा खुल के बिक्री होती है, खोल के आवाज लगा के माल बेचते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मतलब लोग सोच रहे लास्ट है यार, थोड़ा जितना कर पाओ उतना करिए। नहीं, ये सोचते हैं कि भाव खुल जाएगा तो दूसरा लिबाल है, वो कहीं तेज ना मांग दे। मतलब अच्छा पवन, आज एक चीज कहूंगा, जैसे कि अगर कायदा ये है जैसे लास्ट में जैसे आलू कम आए और खरीदार ज्यादा हो तो अगर बोली लग जाए तो अच्छा नहीं होगा यार, क्यों नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मंडी में ही होता है, लेकिन वो बोली लगाना कहाँ जाते हैं, वो अपने यहाँ जो अपने खास आड़ती है उन्हीं को आलू देना चाहते हैं, जिनसे व्यवहार बना के रखना है, उन्हें की मद्दा दे दो किसान का, वो किसान भी मंडी भरे में एक ही ट्राली है, किसी भाव भेज दो, क्या देखने वाला। तो भाई तो मतलब जैसे दो तीन ट्राली आई है, इनकी गाड़ी में कम है आज, लेकिन इनको नहीं दिखाएंगे, ये 10-20 रुपए तेज भी ले लेते हैं, 850-870 का सफेद आलू एक नंबर ले लेते हैं, मतलब लेने नहीं चाहते कोई नहीं। आप लोग जो मेरी वीडियो अगर देख रहे हो, अगर आपके पास आलू है तो ले आओ, हमारे लालू भैया लेने के लिए बैठे हैं। हम तो तैयार। क्या रेट आपने आज खोला है, आप क्या रेट तक लेंगे ऊपर में और नीचे में, अपना रेट बताओ नीचे का क्या होगा। 860-870 तक बढ़िया आलू ले लेंगे, 860-870 तक ले लेंगे आज भी, मतलब आज एक नंबर आलू होगा, एक नंबर का, मतलब देख रहे हो अभी भी जो है लिवाल बैठे हुए हैं, लेकिन बस मंडी में थोड़ा आलू नहीं है, नहीं चल रहा, ये सब धोखाधंधी है, किसान का 60-80 चल रही है। मतलब हमने पूछा भाव तो पता नहीं चल पाया, कह रहे वो इसीलिए नहीं बता रहे, ठीक नहीं है, मतलब एक ही ट्राली में पूरे दिन का खर्चा निकाले। तो क्या लग रहा है ऐसा, कब तक चलेगा, बस खत्म, किसान बेचारा परेशान हो रहा है, इसीलिए हमने उस दिन मना किया था, आपने तो मना कर दिया था हम लोगों को। उसके बाद आया तो सबसे तेज मेरे यहाँ बिका था 870 में, परसों भी बेचा था 870 में, कल तो अपने पास आया नहीं था, कल लाया नहीं था, आज आ रहा कोई, आज अभी नहीं आ रहा कोई, आएगा फिर आज बेच के दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, तो भैया जिस किसी को अगर आलू लेके आना है ना तो अभी फिलहाल में आप लोग जो है आलू मंडी छिबरामऊ में पता कर लीजिएगा, कैलाश मुनीम जी की दुकान पे अभी आप लेकर आ सकते हो, खरीददार और बिचवाल दोनों लोग कायदे से अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाल का भाव बताओ, जिनके पास लाल है वो क्या करें, लाल बढ़िया आलू होगा तो 800-850-850 बिकना चाहिए, लाल गोल वाला है, न्यू आइलैंड वही 950 के आसपास बिकेगा पक्का, 950-950 बिक जाएगा आराम से, मतलब ठीक। और बाद बाकी मंडी में आमदनी की अगर बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी आमदनी कितनी है, पूरी मंडी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सामने देखो दो ट्रॉली खड़ी हैं, इनमें भी आलू आया है, उसके बाद और कोई आलू की आमदनी नहीं, मतलब 3 ट्रॉली आलू है। और ये देखो आ चुके हैं लालू भाई जो कि मंडी में सबसे देर तक खरीदारी करते रहते हैं, और ये आलू की बिक्री हो रही है।
आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखो शायद ये बिक्री हो गया, तौल के लिए जा रहा है। देखो बान की ले आए इलाहाबाद जैसी आ जाए जाओ भाव समझो 90 रुपया को हाईलैंड है जा। हाँ बानगी बानगी 900 बिक जाए 950 बिक जाए 900 पक्को भाव समझो तुम। हाँ आइए समझो आप। हाँ दादा आए कहाँ साहब? अब किसने के पास एकदम सामासी है काय था मोटरसाइकिल बस मतलब बान के लेके आया भाई। जब आलू भरियो तो तुम्हें एक सौर बताए दें जैसे जो गोल वालो आलू है जो निकाल के जो अलग भरा है ना। जब आप तो भरा हुए ही नहीं समझे लेबर लगाई हो जो ये लेबर ज्यादा लगी है जो गोल आलू छाट लियो जाओ बराबर ही भाव बिक जाए। हाँ 150 ऊपर नीचे बिक जाए भला लेकिन जाके पैसा आपके बढ़िया मिल जाए। काट दियो भाई तो दबू आपको आलू लगो उधर अब का भी हो अब कुल लोगो। अरे अब हमने बेच दो सफेद वालों तो 850 अच्छा जो 950 अब चाचा 900 एक मजबूत बाजार समझ चलो तेज बिक जाए तुम्हारी किस्मत से सीधी बात समझो गलत सलत बात ना आप कितनी से हो दूर चलो मिल ले तो सही हम लोग ज्यादा नहीं है बस। अरे बस इतना ही लगे अभी देखो इधर ये जो है जी भैया आज कितनी आमदनी है मंडी में? आमदनी अभी 3 ट्राली आई है 3 नहीं 4 5 ट्राली आई है 5 ट्रॉली। हाँ सफेद बिका 811 रुपए 2 ट्राली विनोद के यहाँ रमेश विनोद के यहाँ और इनके यहाँ अभी हालन 2 ट्राली बिकने को है और अच्छे आलू की पोजीशन 850 रुपए की है। अच्छा सफेद आलू हाइब्रिड आलू 850 और फिर जो नीची क्वालिटी चेचक चित्ती वे अपने 700 सवा 700 650 उनकी पोजीशन समझो 650 से 750 650 से लेकर 750 रुपए नीचे क्वालिटी वाले और अच्छे वाले 750 से लेकर के 850 अच्छे वाले 850 ऊपर 850 पक्का भाव है। आमदनी जैसे अब आज 2-3 ट्रॉली आ रही है 10 तारीख तक जो कुछ आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा कोई मतलब ही नहीं अब ना मतलब फिर उधर इलेक्शन में 3-4 दिन मंडी बंद रहेगी 13 तो बंद रहे कब तक अपनी मंडी कब तक बंद रहेगी? नहीं बंद अपनी मंडी खाली 13 तारीख को बंद रहेगी अपनी 12 तारीख तक खुली है 13 वोट पर है 2 दिन बंद रहे है। अच्छा हाँ फरकाबाद 9 तारीख से बंद हो रही है 9 तारीख से 4 तारीख फरकाबाद बंद रहे। हाँ अच्छा फरकाबाद की मतलब 4 तारीख 9 से 14 4 तारीख बंद रहे 4 तक बंद रहे। अरे एक इलाका बंद रहे अपने यहाँ बिकता रहे तो क्या कोल्ड स्टोर वगैरह का भाव कुछ पता चला? कोल्ड स्टोर नहीं है भैया अभी नहीं पता किया। अगर बात की जाए आलू मंडी छिपरामों की जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे थे आलू मंडी छिपरामों में इस समय आमदनी की अगर बात की जाए तो आमदनी सिर्फ 2-3 ट्रॉलियां आलू आ रहा है लगातार कई दिन से और आलू का भाव जो है अगर चेचक चेचक वाला होता है तो 650 से लेकर के 750 रुपये प्रति पैकेट तक बिकता है और थोड़ा अच्छा होता है तो आपका 750 से लेकर के 850 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री होता है। बाद बाकी इस आलू का भाव का कोई वो नहीं है किसका आलू किस भाव में बिक जाए। अब अगर किसी के पास न्यू हाईलैंड या लाल गोल वाले आलू है तो उनका भाव आप मान के चलिएगा 800 से लेकर के 900 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से न्यू हाईलैंड आलू। और इस समय कोल्ड स्टोरों की अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टोरों से लगभग सभी कोल्ड स्टोरों से आलू का जो निकासी है लगभग शुरू है और कंटिन्यू कोल्ड स्टोरों से आलू की कटाई वगैरह जारी है और जोर शोर से काम चल रहा है। लेकिन बस जैसे कि क्या होता है कभी आप एक ऐसी जगह पे जाओ जैसे जहाँ पे आता ना हो आलू लिवाल ना हो तो वहाँ पर तो लगता ही है ढीला ढीला है लेकिन ढीला बिल्कुल नहीं है। आलू की बिक्री जो है जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे अच्छी तरीके से हो रही है कोल्ड स्टोरों में अच्छी तरीके से आलू बिक्री हो रहे हैं। अब किस भाव में क्या कैसे बिक्री हो रहे हैं वो आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा कोल्ड स्टोरेज छिबरामों के जो भी हैं उनमें क्या कैसा आलू का भाव है लगभग मान के चलिएगा भाई 750 के आसपास आपका सफ़ेद आलू बिक्री होगा छिबरामों के कोल्ड स्टोरों में।
और अगर भाई हम लोग लाल घोल वाले आलू की बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज से, तो सफ़ेद वाला आपका 700 750 770 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान के दाम। सो ही मतलब लाल वाला भी लगभग 750 से लेकर के 800 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री होगा कोल्ड स्टोरेज से। और आपका न्यू हाईलैंड आलू होगा तो आप उसको मान के चलिएगा 750 से लेकर के 850 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से मतलब बिक्री होगा किसान के दाम में। कोल्ड वाला व्यापारी खुद ही देंगे जो मतलब आलू की खरीदारी करते हैं वो लोग। और इस समय जो है आलू को लेकर के थोड़ा सा मतलब एक ढीलापन सा लगता है कि इस समय आलू की बिक्री वगैरह थोड़ा सा गर्मी होने की वजह से जो है मतलब कि सुस्त है, उस वजह से थोड़ा ढीलापन महसूस होता है। लेकिन हो सकता है कि अभी 10-15 दिन बाद बारिश होने का भी अनुमान लगाया गया है, हो सकता था बारिश हो तब आलू के भाव में थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है। जिन किसान भाइयों को आलू बिक्री करना है तो आप लोग उसी पीरियड में बिक्री कर लेना, और जिनके पास भी आलू डंप लगा हुआ है तो अब आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो भाई। जब डंप वाले आलू कहीं बिक्री नहीं होंगे तो आप लोग उसको रखे क्या करोगे। तो आप लोग जो है अब आपके पास अगर डंप वाला आलू है तो आप लोग उसको निकाल दो ना, अब इससे ज़्यादा क्या होगा भाई। मतलब अब मंडी में 2-3 ट्रॉलियाँ आ रही हैं 700 750 800 850 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से।